एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एसपीडी पब्लिकेशन का बिहार करेंट्स अफेयर देखने वाले। बिहार करेंट अफेयर्स 2023, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं 1199, जिसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया है? काला तेंदुआ कहाँ से लाया गया है? असम स्टेट जू से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? 30.16 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? 30.16 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है? निर्यात के मामले में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? यह जिला है बेगूसराय। बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अस्मिता गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? 50%, ऑप्शन नंबर बी। 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है, बताएं कि किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी? जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तारीख से की गई थी? 7 जनवरी 2023। किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो खुशबू झा को, या किस जिले के हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? यह मिला है 22वां। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है? बिहार का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 11। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? स्ट्रीट फूड हब का दर्जा 2023 में किसे दिया गया है? यह जिला है भागलपुर। किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? बिहार। किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह राज्य है बिहार। हाल के घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? हाल के घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? या दी जाएगी बिहार में। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, NH 319B। NH 319B। नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? बिहार को, ऑप्शन नंबर ए। अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? अनुज कुमार सिंह का चयन जो हुआ है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में किया गया है, इनका संबंध किस जिला से है? तो कैमूर से, अनुज कुमार सिंह कैमूर। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रहा है? तो अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अस्मिता
देवी को, अश्वमेध देवी को ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, क्या लगाया गया था? दरभंगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 20। हाल में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, बताइए कि वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, तो सम्मानित किया जाएगा 9 साहित्यकारों को। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनोज तिवारी को। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनोज तिवारी। बिहार में कहाँ एक माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा कहाँ किया गया है? राजगीर में। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया? 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? प्रेमचंद रंगशाला ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अकादमी है, तो प्रेमचंद रंगशाला अकादमी में ही आयोजित किया गया था अमृत युवा कलोत्सव। बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो हो जाएगा 28%। बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? मुकेश कुमार का संबंध गोपालगंज से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर है 27। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला गया है? राज्य का चौथा नदी थाना कहाँ खोला गया है, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा, कुशेश्वर में खोला गया है, दरभंगा में है। बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी पटना। किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला, तो पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। विपिन मनुभाई पंचोली, जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया, वे किस हाईकोर्ट में जज थे? विपिन मधुभाई पंचोली को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाईकोर्ट में वह जज थे? पहले कहाँ के जज थे, गुजरात हाईकोर्ट के। बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेट्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? शैलेश कुमार का संबंध हो जाएगा जमुई से। स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा, कौन सा जिला, तो यह हो जाएगा नालंदा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी टू श्रेणी में। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है? सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया, बताएं कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे? रवि कुमार सीतामढ़ी के थे, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले के खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गारलैंड ट्रेच बनाया गया है खिजरसराय प्रखंड जो है यह है गया में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा, भागलपुर। अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? अगस्त
2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? ऑप्शन नंबर डी अनुज कुमार और सुशांत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? बिहार में पक्षी की कितनी प्रजाति पाई गई है? 205 से अधिक। राष्ट्रीय जनता दल ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह स्थापना दिवस मनाया है 27वां। ऑप्शन नंबर बी 27वां। किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति किसने दी है? तो बिहार ने। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो अवार्ड दिया गया है गोल्ड। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? यह हो जाएगा तमिलनाडु। 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? रामविलास पासवान को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2021। बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वीं किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वीं किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? यह हो जाएगा बॉबी कुमार। बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? कहां? मीठापुर पटना। बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों 2020-21 और 2021-22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है? हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलमास मेला राजगीर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित कितने लोगों को किया गया है? कितने जिलों को किया गया है? यह जिला है 5। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले जिला बनने जा रहा है? 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले जिला बनने जा रहा है तो यह जिला कौन सा है? तो यह जाएगा अरवल और शेखपुरा। 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला जिला अरवल और शेखपुरा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि 2025 तक। हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? तैयार लिया गया है सहरसा में। बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट बाजरा या फिर मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया? मोटा अनाज ज्ञान भवन। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खेल खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? फिर से सुनिएगा, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक गजेंद्र कुमार। फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2। फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के कितने छात्रों को? 2। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया बिहार को। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यह मनाया गया है 75वां, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2023-24 में निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा जो की गई है शिक्षा पर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? यह राशि है 16,131 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य है? सबसे निचले पायदान पर जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार है। चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? सिमरिया धाम जो है यह कौन सा जिला? बेगूसराय। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? ब्लड बैंक जो बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 64, छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? वुशु चैंपियनशिप बिहार के अंशु कुमारी ने कौन सा पदक, तो यह पदक जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान चौथा है। इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह पटना में, बिहार यूथ कॉन्क्लेव पटना। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान जो दिया गया है किसे, तो शकील अहमद खान को। क्वेश्चन नंबर 68, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? यह तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल्स 2023 बिहार के किस ANM को यह पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल 2023 पुरस्कार बिहार के किस नर्स को दिया गया है? सिंपल सी बात, यह दिया गया है गायत्री कुमारी को। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी बरौनी को। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुशाणकालीन मूर्ति मिली है? 2000 वर्ष पुरानी कुशाणकालीन मूर्ति कहाँ से मिली है? लखीसराय। हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है सोनी चौधरी को। सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? राहुल कुमार। सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? राहुल कुमार। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? 6 संस्थानों को, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में बनाया गया? यह बनाया गया है भागलपुर। बिहार के किस जिले में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया? मुजफ्फरपुर। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता योजना की शुरुआत की जाएगी? एक पंचायत एक बैंक खाता, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 33। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एन एन कॉलेज के VCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, रक्षक ऐप। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? यह जिला है 6। हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? यह जिला है
पूर्णिया। हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता के श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पटना खोया हुआ शहर का विमोचन नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को किया था। इसका जो लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, यह है अजय सिंह। पटना खोया हुआ शहर अजय सिंह ने लिखा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? यह योगदान रहा है किन व्यक्तियों का? तेह रवि कुमार जो कि सीतामढ़ी के हैं, सुधांशु कुमार जो कि गया के हैं, अमिताभ कुमार जो कि समस्तीपुर के हैं। ध्यान रखिएगा तीनों का नाम, रवि कुमार सीतामढ़ी, अमिताभ कुमार समस्तीपुर, सुधांशु कुमार गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? यह जिला कौन सा है? पटना। बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? होम स्टे योजना की शुरुआत पर्यटन विभाग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? किया गया अक्षय आनंद सनी को, ऑप्शन नंबर बी, अक्षय आनंद सनी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की गई है? 603 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? राजस्व व्यय कुल कितना प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 79.37%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? 7 निश्चय 2 अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? 5000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंधित राशि कितनी है? 450.50 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीवी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीवी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है 2025 तक। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में कौन से कथन हैं जो सही हैं? इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन तिलहन मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ए 1 अप्रैल 2023। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है? जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो हो जाएगा 421.71 करोड़। बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया? आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया है समीर पांडे को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में वर्ष 2022-23 में कितने टन मछली का उत्पादन हुआ? 2022-23 में कितने टन मछली का उत्पादन हुआ? यह हो जाएगा 8.46 लाख टन। पीएमएफएमई योजना को लागू करने में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है? पीएमएफएमई योजना को लागू करने में बिहार देश में कौन सा स्थान रहा है? यह रहा है प्रथम। 100 क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाईकोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाईकोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण नंदन सिंह को। बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है पटना में।
कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कल्चर की क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? गया में। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का एस्पायरिंग पॉल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस्पायरिंग पॉल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर सुधीर कुमार को। डॉक्टर सुधीर कुमार। किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वैशाली। हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एम एस एम ई 2022 में राज पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता? बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एम एस एम ई 2022 में राज पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता? क्या जीता? दूसरा। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? रजत पदक राधेश्याम यादव। एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? राधेश्याम यादव। हाल ही में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या किया गया? पटना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई? हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई? यह शुरुआत पटना नगर निगम के द्वारा। हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? गिद्ध। गिद्ध गिद्ध जो है क्या है? लघु फिल्म है। किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? यह हो जाएगा इंदौर। इंदौर के तर्ज पर बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? यह हो जाएगा पाँचवा। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार का स्थान पाँचवा है। हाल ही में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का प्रचलन शुरू हुआ? 27 जून। 27 जून। बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? पटना। मछली रिसर्च सेंटर पटना। केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है? चिप टू स्टार्टअप योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है? 3। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? उपयुक्त दोनों पटना और दरभंगा। किस जिला का गजेटियर तैयार हो रहा है? तो पटना और दरभंगा। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपेक टकरा चैंपियनशिप में आयोजित किया गया है? फिर से देखिएगा। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉबी कुमार। बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस। हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अमृता। एक घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15। देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान है जो सत्य है? कौन सा मिलान है जो सत्य दिया गया, सही दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा स्थान जमुई और तीसरा स्थान बांका। देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान? दूसरा स्थान जमुई को और तीसरा स्थान बांका को। बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया? मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किस जिला में? ऑप्शन हो जाएगा बी, मधुबनी। मिथिला उत्पाद महोत्सव मधुबनी। हाल ही में बिहार के 11,000
11,08,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? स्वाभिमान एप्लीकेशन से। हाल ही बिहार के 11,08,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? स्वाभिमान एप्लीकेशन से। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है? बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, खुशी कुमारी। नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? गया को। ऑप्शन नंबर ए। 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? शशिभूषण सिंह को। शशिभूषण सिंह दिया गया ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस स्थान पर 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनिन के फोटोग्राफी का प्रदर्शनी आयोजित की गई? बिहार के किस स्थान पर 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनिन के फोटोग्राफी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार म्यूजियम पटना। हाल ही में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। हाल ही में किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया? गया। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? बिहार बढ़कर रहेगा इसके लेखक हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? गजेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए। पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता है? राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप ने बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता है? जो हराया किसे? पर राजस्थान को। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चीन ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? तय किया गया है जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद को। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी का संबंध किस जिले से है? शेखपुरा से। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन हो जाएगा सी, अक्षय आनंद सनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवनी पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन हैं? नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं उदयकांत। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया? Level 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में कब किया गया? तय किया गया है 21 से 23 जून 2023। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? शकील अहमद खान को। बिहार के किस व्यक्ति को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कुमार शुभम को। बिहार के किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग अंडर-17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोल कीपर के रूप में चयनित किया गया है? खुशी कुमारी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर ब्राजील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? बिहार संग्रहालय पटना। 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया? 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया? बताइएगा, तो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर ए,
22 जून को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू का कौन सा स्थापना दिवस 50वां। हाल ही में बिहार में कहां पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं का बैठक का आयोजन किया गया, माफ करिएगा, हाल ही में बिहार में कहां पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं का बैठक का आयोजन किया गया या पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। पटना में ऑप्शन नंबर ए। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो कि बेगूसराय में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962। बिहार के किस जिले के रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, भोजपुर। रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, किस जिले के रवि सिन्हा, यह भोजपुर के हैं। 20 जून 2023 से बिहार के किस जिला के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण। G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया। मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया, संगीता देवी और किरण देवी, ऑप्शन नंबर डी, संगीता और किरण देवी। 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हीं SC ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हीं SC ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रत्नेश सदा। हाल ही में बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है। किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है, यह हो जाएगा खेता कला। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा। क्या विकसित किया जाएगा, मगध प्रमंडल। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया सैबो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीता। अभिलाषा कुमारी किस जिले की है, यह जिला है पटना, अभिलाषा कुमारी पटना की है। किस जिले के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया। अनुसुईया सभागार का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ज्ञान भवन। दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल्स गेम्स 2023 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। यह जिला कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 7 जिला। 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई, मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजगीर के प्राचीन संरचना। बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। पंचाने नदी बचाओ अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, यह नालंदा में। नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, राहुल कुमार। बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, पटना। किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है,
नालंदा के लेखक कौन हैं, तो यह हो जाएगा अब है। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी शामिल हैं? भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो हो जाएगा एक भी नहीं। हाल ही में बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? सोनी चौधरी किस राज्य की हैं, किस जिले की हैं, तो दरभंगा की हैं, दरभंगा की। हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? सबसे अंतिम। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? 17%। बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है? बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है, यह हो जाएगा अररिया। बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गया और वैशाली। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता है? दीपांशु कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता है, यह कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर बी। टेली मेडिसिन के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में बिहार को कौन सा स्थान मिला? प्रथम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है, ऑप्शन हो जाएगा सी सोन नदी। जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान। भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? वी भास्करन को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कितनी जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे 5। हाल ही में बिहार के किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जियस 2023 का खिताब जीता है? दरभंगा। सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल बिहार। नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से किसे जिले में स्थित सिमरिया धाम या रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? बेगूसराय। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है? 20 घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? बिहार को। हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है? लिंगानुपात 900 से कम कहाँ हो कितने हो गए हैं, तो 19। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कन्फ्यूजन हो गया। हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया, यह हो गया 19 जिलों में। कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? जीएसटी मॉडल कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, तो राजस्थान। मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान है, जो सही दिया गया है? जमुई पहले स्थान पर है, सही है। अंतिम स्थान पर खगड़िया है, पटना तीसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जमुई पहले स्थान, खगड़िया अंतिम स्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है छपरा सारण।
किस हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? अन्नी अभिषेक रेड्डी पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तेलंगाना हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 187, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बेफिक्र ऐप, ऑप्शन नंबर डी बेफिक्र ऐप। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? कितनी आबादी पर एक बैंक है? ऑप्शन नंबर सी 16,000 आबादी पर एक बैंक है। हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं? सक्रिय इंटरनेट यूजर जो हैं ये कितने हैं? तो हो जाएगा 32%। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है? 4,000 करोड़ का, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में CRPF में डिप्टी कमांडेंट पद तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र सम्मानित किया गया है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? विक्की पांडे जो हैं किस जिले के मूल निवासी? जमुई, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थलकट्टी को GI टैग के लिए आवेदन किया गया है? तिलकुट और पत्थलकट्टी को GI टैग, ऑप्शन हो जाएगा बी गया। बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? नवादा, इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा नवादा। एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? उपयुक्त सभी का, अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार, राजीव रंजन सिंह। 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया? ऑप्शन नंबर सी दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर सी। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो हो गई 99%। बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए जहानाबाद के हैं गजेंद्र कुमार। हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर प्रश्न, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार शाही को। बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे? तो खोले जाएंगे 5 जिलों में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो डॉक्टर रोहिणी ने किस यूनिवर्सिटी की हैं प्रोफेसर हैं? तो हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो निर्माण किया जा रहा है नवादा। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? और फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? कैसर कुमार ने किस जिले के हैं? ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बोधगया।
बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है? पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? उड़ीसा। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है किस जिला में? यह जिला कौन सा हो जाएगा? दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? यह पदक है स्वर्ण पदक। बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है? केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस के सिंघल को। क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन? हाल ही में किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? किसे हुआ है? तो अंजनी कुमारी का। और अंजनी कुमारी का संबंध बिहार के किस जिले से है? यह जिला कौन सा है? जमुई, ऑप्शन नंबर डी। जमुई की रहने वाली है अंजनी कुमारी। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी या प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है, तो हो जाएगा 49.8%। 49.8%। बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया? थावे फेस्टिवल गोपालगंज, ऑप्शन नंबर डी। चर्चा में रहा व्यवहार गिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? व्यवहार गिरी पर्वत जो है किस जिले में है? यह नालंदा में है। बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा 2.9%। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की गई है? यह राशि है 603 करोड़ रुपये। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 63 खिलाड़ियों का। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? यह बनाया गया है मोनिका दास को। अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए बिहार राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है विश्वकर्मा अवार्ड। बिहार बजट 2023-24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? साठ करोड़ रुपये का, ऑप्शन नंबर डी, 60 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर घनश्याम राय को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023। यह किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किस जिले को बनाया गया है? मुंगेर को। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो यह नालंदा यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? भागलपुर। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले वानिकी कॉलेज मुंगेर। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? यह बन गया है चौथा। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड दिया जाएगा? RDP अवार्ड किसे दिया जाएगा? प्रदीप जैन को, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? और फिर से क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में
फर्स्ट रनअप रही है। किस जिले की है? यह जिला है अररिया। ऑप्शन नंबर डी टीना झा अररिया की है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? पहला स्थान दिया गया है समस्तीपुर। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? शेरपुर में, शेरपुर। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही? बिहार महिला टीम जो है किस स्थान पर रही बैडमिंटन चैंपियनशिप में? यह रही तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को GI टैग दिया जाएगा? जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को GI टैग दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी 200। CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? मिथिला हाट का लोकार्पण कहाँ किया है? मधुबनी। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया है बबीता गुप्ता को। किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना कहाँ की गई है? यह की गई नालंदा। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? यह दिया गया है मरचा चावल को। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? BPAC की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? किस देश में 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया गया है? 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया गया जापान में। ऑप्शन नंबर सी। किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ? चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023। किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बबीता कुमारी। हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? गंगा जल आपूर्ति योजना को। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? कृष्णन विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार का स्थान जो प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन जो किया गया था मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? रानी दुर्गावती जलाशय में। ऑप्शन नंबर ए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019-2020 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 2019-20 और 21 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? यह चयन किया गया है 13। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर LVC। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? विभा लाल को। ऑप्शन नंबर बी विभा लाल को।
क्वेश्चन नंबर है 250। हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तय निर्धारित किया गया है 228 रुपये। 228 रुपये। किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च 2023। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में आयोजित 6वीं फेडरेशन कप वुशू चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमार ने कौन सा पदक जीता है? अंशु कुमारी ने कौन सा पदक? त्या पदक है स्वर्ण पदक। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च 2023 को कौन सा स्थापना दिवस? 111वां स्थापना दिवस। बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा? 78। कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा नमामि गंगे योजना के तहत? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सानवी चौहान। बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई? बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई? कितने शहरों में? तय हो जाएगा 16। हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? यह जिला है शिवहर। हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है भागलपुर। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है बांका। हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? यह जीता है रश्मि कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो हो जाएगा 29। हाथीपाव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्णिया। हाथीपाव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बन गया है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक सनी राज ने। ऑप्शन नंबर बी। उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? पीयूष राज ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? ऑप्शन नंबर सी सहरसा की है लक्ष्मी झा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? बिहार की बेरोजगारी दर है 12.3%। ऑप्शन नंबर ए। 269। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? सर्वाधिक राशि आवंटित जो की गई है शिक्षा विभाग। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए 2,61,885 करोड़ रुपया।
2,61,885 करोड़ रुपया। बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन इंसानियत। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? पशु अस्पताल पटना। बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह प्रथम पुरस्कार। 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत व नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? यह देगी 25,000 रुपये। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया है भोजपुर, बिहार। बिहार की किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाली एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? गोलकीपर के रूप में खुशी कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती 99वीं जयंती मनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? बिहार जो है पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। 280 नंबर प्रश्न, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? यह जिला है शेखपुरा। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? यह हो जाएगा पटना। बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? दस करोड़ लीटर। हाल ही में चर्चा में रहा टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? टिकुली चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस जिला में? पूर्वी चंपारण। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? दिया गया मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अजीत आजाद को। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दुनिया राम सिंह को। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया? तो यह पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? ऑप्शन नंबर ए 12 विभागों की। स्वास्थ्य विभाग के संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? यह जिला है जहानाबाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 290, बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? यह जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी नालंदा। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत नालंदा से की गई। क्वेश्चन नंबर 291, हाल ही में किसे दीनानाथ सरन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? IIT पटना को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? यह चुना गया है किसे? अरमान आलम को।
अरमान आलम। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? किसे हरा करके? झारखंड। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 33वां। हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किन से संबंधित है? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किन से संबंधित है? यह संबंधित है नीतीश कुमार। प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी संबंधित है नीतीश कुमार। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है? बिहार के बाद मतलब पटना के बाद दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है? यह बना है किस जिला में? दरभंगा में। हाल ही में बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? DGP राजविंदर सिंह भट्टी को। राजविंदर सिंह भट्टी नए DGP नियुक्त किए गए हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें नेशनल जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है बिहार की टीम ने। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? बिहार केसरी शुभम कुमार। बिहार केसरी शुभम कुमार। 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जीरा देई में। 300 पार कर चुके हैं। चलिए 500 पहुँचने का टारगेट है मेरा। 500 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा के ही रहेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन सी जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? यह किया गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 26वीं। 303 नंबर प्रश्न, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? यह हो जाएगा बिहार। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी हैं? लक्ष्मी झा किस जिले की हैं? तो सहरसा की हैं। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? बिहार के किस बेटी ने 6 पदक? कीर्ति राज ने। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? मैथिली ठाकुर किस जिले की रहने वाली हैं? मधुबनी की। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है, कौन मनाया है? ऑप्शन हो जाएगा डी लोजपा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसे बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? किसे चुना गया? गौरव चौहान को। रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो गौरव चौहान। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है वैशाली के। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 5 लाख रुपये तक का ऋण बिहार किया है। ऑप्शन नंबर सी। एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला? बिहार केसरी का सम्मान शुभम कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 पदक।
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? यह नालंदा। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी 13 कलाकारों का। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित हैं? प्रमोद भगत किस जिले से? तो वैशाली से। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो 100, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 7 जिलों से। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में किसका चयन हुआ है? गौरव चौहान। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? निशी कुमारी ने जीता है कौन सा पदक, बताइएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन और इनको पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था? यह दिया गया था 2017 में। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी सोनी कुमारी। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है? 21% बढ़ा करके 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो वैक डे होगा? नो वैक डे होगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया। बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2020 को। 8 नवंबर 2020 को। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? जसवंत सरोज रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? गया में। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन का बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन गया में किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह नाजिया परवीन को, ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो रखा गया है लेवल 5 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? प्रदूषित शहर में ऑप्शन नंबर सी कटिहार। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता? अंजनी कुमारी ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष बाद। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? रग्बी टीम में 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कौन सा राज्य सरकार राज्य की विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? बिहार। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? बेगूसराय। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में, वुशु मतलब पुरुष या महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया? 5 पदक। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार को कितनी राशि जारी की है? ऑप्शन नंबर ए 7.35 करोड़ रुपया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो 7.35 करोड़ रुपया। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 नवंबर 2022। हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? प्रज्वल पांडे किस जिले के हैं? तो हैं सिवान के। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गतिशक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पूसा में। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गतिशक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पूसा में। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी हैं? नील आर्यन ठाकुर या जो है सहरसा के मूल निवासी। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितनी करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? क्या हो जाएगा 224.19 करोड़। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेन्नारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रोहतास। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? यासिता सिंह। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो 12। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? ऑप्शन नंबर सी 120वीं जयंती। लालू प्रसाद यादव को कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? 12वीं बार।
हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताया कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है। यह बाघ है टी 105। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है। बेरोजगारी प्रतिशत 11.40%, ऑप्शन नंबर सी 11.40%। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब या किसने जीता है? बिहार ने। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। जमुई 8 अक्टूबर 2022 को किन की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 8 अक्टूबर 2022 को किन की पुण्यतिथि 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? जब मनाया गया जयप्रकाश नारायण का। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए सिताब दियारा। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया? तो यह 2 मेडल। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ए 9.4%। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया गांव बेगूसराय। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 50%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 367। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार विजेता है कलाकार रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी का निधन किस जिले से संबंधित है? तो यह सारण, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? काकड़कुंड के रहने वाले हैं मुकेश कुमार। काकड़कुंड किस जिले में पड़ता है? यह गोपालगंज। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल गोपालगंज। शशि पांडे गोपालगंज के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया? राजन महतो। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर बांध भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? फल्गु नदी, गया में। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस जिले के हैं प्रोफेसर अरुण कुमार झा? यह जिला है मधुबनी। देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह पटना में। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? कंफर्मेटरी एसेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है फिर से देखते हैं। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? अच्छा, नालंदा डेयरी जो है यह मार्क पाया है भारत का,
ऑप्शन में भी दूसरा बन गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई? सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है भागलपुर रेलवे स्टेशन। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार में ले जाने की मंजूरी दे दी है? हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार ले जाने की मंजूरी दे दी है? यदि है 36। राष्ट्रीय स्तर पर एस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? यह निहारिका कुमारी। निहारिका कुमारी। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 20। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? मोहम्मद गुफरान किस जिले के निवासी हैं? यह जिला कौन सा है? यह है अररिया। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्मफेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी। केरल के कालीकट में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। 1 सोना, 1 चांदी और 5 कांसा। बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? बाजार समितियां कितने विकसित किए जाएंगे? तो 54 समितियां। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले बिहार के किस जिले में स्थित है विष्णुपद मंदिर? यह स्थित है कहाँ? गया में। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद कुमार और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? यह जीता है गोल्ड मेडल। हाल ही में बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? हाल ही में बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? यह जीता है पटना। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दरोगा प्रसाद राय, उनकी जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? कौन से क्रम के मुख्यमंत्री थे? यह थे 10वें। ऑप्शन नंबर सी 10वें मुख्यमंत्री। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को सम्मानित किया है। 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? यह जिला है किशनगंज। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से सम्मानित किया जाएगा निशी कुमारी सौरभ सुमन को। ऑप्शन नंबर डी निशी कुमारी सौरभ सुमन। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? करकट जलप्रपात यह किस जिला में है? कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन दो जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? रोड मैप बनाने का निर्देश भागलपुर व कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? डाटा सेंटर शिक्षा बोर्ड। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह जिला है पटना। अभिषेक कुमार पटना से। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन दो जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? ऑप्शन हो जाएगा सी बांका व जमुई। बांका व जमुई। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? लखनदेई। ऑप्शन नंबर बी लखनदेई। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है विभा लाल को। 400 नंबर प्रश्न।
400 तक पहुंच गए, 500 तक का टारगेट है। इस वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? बिहार में कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो यह दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी 11 जिलों को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? 401 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निशी कुमारी और सौरभ सुमन, उपयुक्त दोनों। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? देवेश चंद्र ठाकुर। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? यह जीता है किसने? पटना। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाली यह हो चुका है? गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? किस विभाग की झांकी को पहला स्थान? यह दिया गया कृषि विभाग। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? राजीव राज की पेंटिंग को। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? पूर्णिया। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों को प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी बक्सर। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? नटखट साइंस लैब खोली गई है भागलपुर। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमल जमीन देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए 5 डिसमिल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50,000। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? बिहार नगरपालिका अध्यादेश 2022। बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? भूषण कुमार महतो। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अरुण अग्रवाल। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन हो जाएगा डी समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? बिहार। ऑप्शन नंबर ए 420। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? नालंदा। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? रोहतास। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? राजगीर। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयनित हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? ऋतिक आनंद।
ऋतिक आनंद। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, यह बिहार के किस स्थान पर है? 2500 साल पुराने साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, यह बिहार के किस स्थान पर है? तो बिहार के राजगीर में है। हाल ही बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? पुनौरा धाम जो है यह किस जिले में है? तो सीतामढ़ी में। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार। किस मैथिली फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा डी धुइन को, धुइन। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क? तो बिहटा, फतुहा, रक्सौल, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? उपयुक्त दोनों हैं, अंकिता वर्मा भी हैं और तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, तुहिन ए सिन्हा। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए बक्सर, बक्सर। नेक्स्ट है, किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो हो जाएगा मैथिली। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? कौन सा एप्लीकेशन? बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन, बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी पटना वीमेंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? पितृपक्ष मेला पुनपुन। बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? पुनपुन, ऑप्शन नंबर सी। गया में तो पितृपक्ष मेला मनाया ही जाता है। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहां स्थित है? नीमा गांव, यह किस जिला में है? यह राजगीर, ऑप्शन नंबर ए। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव का 2022 का आयोजन किस जिला में किया गया बताइएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी गया, दशरथ मांझी महोत्सव गया। नेक्स्ट है, बिहार दिवस के अवसर पर हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो नीचे से दूसरा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 443। MRDA इंडिया टुडे वेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान? 25वां। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 31 मंत्रियों ने। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है? कितने करोड़ की स्वीकृति दी गई है? तह दी गई है 12,563 करोड़, 12,563 करोड़। जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है?
राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है या बन गया है? पहला, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ? सुपौल, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्सौल। स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया प्रमोद भगत। हाल ही बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजकिशोर शर्मा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? कहाँ? तो जमुई, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 26 पदक से। 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्स पटना। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सुनैना सिंह। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, सबलपुर। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आमिर सुबहानी। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे? अनीता गुप्ता को। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? औरंगाबाद। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर RN सिंह। हाल ही बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तय किया गया दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? स्वर्ण पदक से, ऑप्शन नंबर ए। भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार देश में कौन सा स्थान है? तय हो जाएगा चौथा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 17वां। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन हो जाएगा सी, बोधगया। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? 7 पुलिसकर्मियों को। हाल ही बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विभा रानी। हाल ही बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? लौह अयस्क के भंडार कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तय किए जाएंगे 300 करोड़। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है। किसने बनाया है? तो अभिजीत ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? इमरजेंसी बटन। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर जंक्शन। पटना जंक्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। हाल ही बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है? चौरम थाना जो है यह हो जाएगा अरवल, चौरम थाना अरवल। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? पक्षियों की प्रजाति 202, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 477 नंबर, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है नीरा को। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियम परिसर पटना। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? दो हज़ार में। हाल के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? स्कूली छात्र छात्राओं को, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? वैशाली महोत्सव 14 से 16 अप्रैल 2022। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है, यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 12। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश कौन सा स्थान है? तो यह 15वां। हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, CFMS का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा रूप जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रीहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? पेप्सिको कंपनी की कॉरपोरेट। 488 नंबर प्रश्न, अब बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं 500 नंबर के पास। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीएम अवार्ड दरभंगा। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं?
ऑप्शन नंबर डी 4, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? 10 लाख। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? शमशाद अशरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो यह कॉलेज कौन सा है? सीएम साइंस कॉलेज। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो यह पटना में। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 90% तक। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य 2022 तक। आई एस एफ आर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? PFI कहाँ खोला गया? यह पूर्णिया। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार के गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? 499 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, NIT पटना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी 25 से 30 जुलाई 2022। चलिए 500 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर मेरे पास टाइम होगा, मैं कंफर्म नहीं करना चाहती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो 700 क्वेश्चन को, लगभग 699 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह मेहनत आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तभी इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।